नमस्ते दोस्तों, आज मैं अपने टेरेस गार्डन पे आपको क्या दिखाऊंगी मैं कि कैसे मैं लगाती हूँ गुआबा का प्लांट्स, जो मैंने परचेज तो नहीं किया है पर सीड से ही ग्रो करा था। अभी हो गया है, दो चार मतलब हो गया है, उसे मैं लगा रही हूँ दूसरे पॉट में जो ग्रो बैग से बना हुआ है। ये कट्टे से बना हुआ है बोरी, और देखिए साइज़ काफ़ी अच्छा है, बड़ा है ये। इसमें मैं लगाऊंगी तो कम से कम चल तो जाएगा। अभी यदि आपके पास नहीं है तो बोरी में भी लगा सकते हो, यदि है तो सीमेंट वाली बोरी। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको स्पाइन गार्ड्स का, जो मैं बताई थी आपको स्पाइन गार्ड्स को जो गभी गर्मी में मैंने तोड़ा था चठैल, उसका ये रूट है, जड़ है, जो दम देखिए शकरकंद की तरह ही लगता है, ये स्वीट पोटैटो की तरह नहीं तो मिश्री कंद की तरह ही लगता है। इसे मैंने निकाल दिया है। अब इसे थोड़ा सा धूप में सुखाकर इसे मैं अगले जो भी ग्रो बैग्स है जो बनाऊंगी पॉट उसमें मैं डाल दूंगी। ये ख़राब नहीं होता, बस सॉइल के अंदर आप इसे रहने दीजिए, तो आप नेक्स्ट सीजन में इसे प्लांट से और इसके मतलब वेजेस जो भी स्पाइन गार्ड होगा वो रेनी सीजन में ही ज़्यादा होता है, मतलब समर सीजन में मान के चलो समर सीजन में ही होता है। देखिए इसमें सारे सॉइल मैं थोड़ा एक बार सफाई इसको कर कर थोड़े धूप लगा दे रही हूँ, अभी टेरेस पे रहने दूँगी। फिर मैं जब डालूँगी दूसरे पॉट में तो आपको उसको बताऊंगी कि किस तरह इसको डालते हैं, ताकि अगले सीजन में हम फिर इसकी वेजिस को एंजॉय कर सकें। छोटे छोटे हैं अभी, निकल गए, ये फेमेल वाला ये था रूट, और ये मेल वाला तो अभी मैंने निकाला नहीं है इसको। इसी सॉइल को मैं यूज करूंगी, अभी गुआवा का जो प्लांट लगाऊंगी उसमें कट्टे में कौन कौन सा चीज़ मैं पहले डाल देती हूँ, फिर धीरे धीरे होते रहेगा। इसको देखो मैंने समर से धूप में रख दिया है, अभी सूख जाएगा। तो आप देखिए इसमें कट्टे में डाल दिया मैंने, पहले थोड़ा सा सूखे पत्ते वगैरह डाल दी थी मैं, जो भी बेल जो हटा था उसको डाल दी। और ये देखिए गुआबा का जो प्लांट है, वैसे छोटे पॉट में अभी लगा हुआ था, इसे मैं सोच रही हूँ कि अभी मौसम जो विंटर सीजन हो गया है काफ़ी मतलब ठीक ग्रोइंग के लिए बहुत अच्छा हो गया है, इसलिए मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ बड़े पॉट जो बना रही हूँ मैं उसमें डाल देती हूँ पहले। फिर ये जामुन के पत्ते किस काम आएंगे, तो जामुन के पत्ते भी सारे मैं इसी में पहले डाल दिया, वो फर्टिलाइज़र बन जाएगा। और ये लगाने का तरीका क्या है, जैसे ये आप जो प्लांट है उसे आप सीधे सीधा ही रखिए, जैसे ग्रो बक के बीचों बीच रूट को सीधा रखकर। मैं एक हाथ से वीडियो भी बना रही हूँ इसीलिए मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, बस बता रहती हूँ कि सीधा सीधा रखकर उसे डाल दीजिए। और सॉइल अभी रूट में कम से कम सॉइल ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद ऊपर से हम सूखे पत्ते वगैरह लकड़ी वगैरह साथ साथ में मैं डालते रहूँगी। इसमें मैं कंपोस्ट वगैरह जो भी मैं डालते रहूँगी। अभी तो फिलहाल जो है मेरे पास अभी मैंने डाल दिया है थोड़ा वैसा ही रूट को कर लिया, रूट को मतलब रूट को कवर कर दिया है मैंने सॉइल से, और थोड़ा थोड़ा पानी का डाल रही हूँ, छिड़काव कर रही हूँ मतलब कि रूट पकड़ ले। बस धीरे धीरे मैं कंपोस्ट जो डालते रहूँगी आपको दिखाते रहूँगी, अपडेट करके बताते रहूँगी। और उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सजेशन अच्छा लगा होगा आपको, अगर लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मेरे साथ मेरी वीडियो में मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह हमारा और आपका साथ हमेशा रहे और सपोर्ट करते रहें, और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। कमेंट शेयर तो करते ही हैं, साथ में सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी हेल्प जरूर करें।